हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे वाटर के बारे में। वाटर के बारे में आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज वाटर के बारे में सबसे पहले हम कुछ आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास हैं वो बताएंगे। देखिए, वाटर जो है इस अर्थ की सरफेस के ऊपर डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट है। अब वाटर जो है मीन्स जिसका फार्मूला है H2O, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होते हैं। अब ये वाटर जो होता है इसको हमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से बोलते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस विच हैव द कैपेसिटी टू डिजोल्व अनदर सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को घोल लेता है उसको हम सॉल्वेंट के नाम से बोलते हैं। तो सॉल्वेंट के केस में वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है ना। वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, मतलब जो अपने अंदर एक सब्सटेंस को डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम वाटर की बात करते तो अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर जो होता है वो थ्री फॉर्म्स में प्रेजेंट है, यानी फॉर्म्स ऑफ वाटर या स्टेट्स ऑफ वाटर की बात हम करें तो तीन फॉर्म है भाई। एक हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है और एक हमारे पास गैस है। ये तीनों फॉर्म्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, सॉलिड में आइस के नाम से बोलते हैं, लिक्विड में वाटर के नाम से बोलते हैं और गैस की फॉर्म में वेपर के नाम से बोलते हैं, ठीक है, वेपर के नाम से बोलते हैं। अब वाटर जो है भाई उसके पास उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कंडीशंस भी प्रेजेंट है। वाटर जो है, अगर वाटर का हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग टेम्परेचर की बात करें तो ये जो टेम्परेचर है मेल्टिंग और बॉइलिंग, इसमें मेल्टिंग जो होता है जिसमें आइस से, ठीक है, आइस से वाटर जो है वाटर की फॉर्म में आता है तो मेल्ट होना 0 डिग्री सेल्सियस पे काउंट करते हैं हम, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का। अब इस मेल्टिंग के साथ साथ तो फ्रीजिंग पॉइंट भी जो होता है कि वाटर किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज होता है तो वो भी हमारे पास यही है। लेकिन एक्चुअली अगर हम वाटर का बिल्कुल प्योर वाटर की बात करते हैं तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो होता है विदाउट साल्ट जो वाटर होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज होता है, ठीक है ना। किस पे फ्रीज होता है भाई? -2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, ठीक है, मतलब जीरो से नीचे चला जाता है टेम्परेचर। और बॉइलिंग टेम्परेचर वही है, बॉइलिंग टेम्परेचर सेम कंडीशन है। जितनी जितनी इम्प्योरिटी हम वाटर में ऐड करेंगे उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो जीरो से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, जीरो से पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 काउंट की जाती है। लेकिन अगर हम ये पूछे एट विच टेम्परेचर वाटर हैव द मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है, किसके ऊपर है, किस टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर वाटर शोइंग मैक्सिमम डेंसिटी, तो वो टेम्परेचर हमारे पास क्या है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है? 4 डिग्री सेल्सियस। आप इस बात को हमेशा याद रखें कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एक ऐसे टेम्परेचर है जिसपे वाटर जो होता है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब वाटर की जो प्रेजेंस की बात करें हम, कि वाटर जो है इस अर्थ की सरफेस के ऊपर वाटर की प्रेजेंस की बात करें, ये तो थे वाटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर वाटर हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस पे वाटर की प्रेजेंस की बात करते हैं तो देखिए टोटली यू नो कि 100% जो अर्थ है उस पे 71% पार्ट जो है वो वाटर है।
71% पार्ट वॉटर है, 29% जो पार्ट है वो लैंड है, ठीक है, लैंड है। अब अगर मान लीजिए इस वॉटर को हम 100% मान के चले, 100% मान के चले, तो इस वॉटर में से 97% जो वॉटर है वो फ्रेश मराइन वॉटर है, मराइन वॉटर। यू नो मराइन वॉटर का मतलब साल्टी वॉटर, साल्टी वॉटर समझ गए ना, खारा पानी है, ठीक है, जो पीने के लायक नहीं है। ओनली 3% वॉटर इज द फ्रेश वॉटर, ठीक है, जो ड्रिंक के अवेलेबल है, मतलब ड्रिंक के लिए जो पीने के लायक है, ठीक है ना। अब ये जो आइस, जो ये वॉटर है भाई, इस वॉटर के अंदर भी जो अमाउंट है वॉटर की, वो टोटली 3% वॉटर ऐसा है कि जो पीने के लायक फ्रेश वॉटर तो है लेकिन इजिली अवेलेबल नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। ये वॉटर इजिली अवेलेबल नहीं है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। अगर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर किस फॉर्म में कहां पर प्रेजेंट है? इसमें से जो वॉटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है, लाइक दैट पोलर कैप। यू नो पोलर कैप का मतलब, कैप्स का मतलब है इन फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है ना, किसकी फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में है। जो पहाड़ है उनकी चोटियों पर बर्फ जमा है, पोल है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वहां पर आइस की फॉर्म में वाटर है, वो फ्रेश वाटर है बट वो पीने के लायक नहीं है क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वाटर वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में वाटर जो है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर। इसके अलावा और कहां है, रिवर्स में है, लेक्स में है, स्ट्रीम्स हैं, जो धाराएं हैं, ठीक है ना, वॉटरफॉल्स हैं। तो ये डिफरेंट रीजन है जहां पर वॉटर प्रेजेंट है। इसमें से हमारे पास जो पीने के लायक वॉटर है भाई, आप इसको मान लीजिए कि यहां से हम वॉटर पी सकते हैं, ड्रिंकिंग के पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, या अंडरग्राउंड वॉटर है इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से अवेलेबल वॉटर है। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में, चाहे वो रिवर की फॉर्म में है, चाहे अंडरग्राउंड की फॉर्म में है, ये वॉटर की बहुत ही लेस अमाउंट है, ठीक है ना, ये वॉटर की बहुत ही लेस अमाउंट है। यानी अगर 3% में से अगर हम बात करते हैं तो 0.0 something जो है हमारे पास वो वॉटर की फॉर्म में है, जो हमारे लिए अवेलेबल वॉटर है। अब जो ये वॉटर प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में, इसके डिफरेंट रोल्स हैं। अब वॉटर जो है हमारी लाइफ में डिफरेंट रोल प्ले करता है, और वो सब आपको पता कि वॉटर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी है, वॉटर वॉशिंग पर्पज के लिए भी है, वॉटर इरिगेशन प्रोसेस जो होता है, वॉटर प्लांट्स के अंदर ट्रांसपीरेशन है, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, वॉटर कंस्ट्रक्शन के वर्क में यूज होता है। तो वॉटर का हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वे नेविगेशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सब हम इस वॉटर की सहायता से करते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है कि वॉटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स है कि वो कहां कहां किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, तब मैं वॉटर के बारे में आपको बताता हूं। अब जो वॉटर प्रेजेंट है हमारी अर्थ की सरफेस पे, ये सब है फ्रेश वॉटर, जो अवेलेबल वॉटर में जिसमें हम काउंट करते हैं वो हमारे पास कैसे प्रेजेंट है। मैं इसके लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूं, आप उसको देखिए। ये अर्थ की सरफेस है और इस अर्थ की सरफेस पे कोई ये प्लांट है, ये एक प्लांट है हमारे पास, ठीक है ना, ये एक प्लांट है कोई भी, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, इधर इसकी रूट्स फैली हुई हैं नीचे सोयल में। अब देखिए यहां पर है सोयल, है इस रीजन में सोयल प्रेजेंट है, ये सोयल पार्टिकल्स में बना रहा हूं आपके सामने, सोयल पार्टिकल,
ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, ऐसे मतलब बहुत सारी डेप्थ तक ये सॉइल पार्टिकल्स प्रेजेंट है बेटा। अब यहां पर डेप्थ तक जाने के बाद अब देखिए इस डेप्थ के बाद जाने के बाद इसमें क्या है कि लास्ट रीजन जो है उसमें हाई माउंटेन रीजन प्रेजेंट है, बिल्कुल डार्क बिल्कुल सेटल्ड माउंटेन रीजन प्रेजेंट है जो वाटर को नीचे तक जाने से रोकते हैं, ठीक है ना। जो वाटर को अंडर हाई लो लेवल कंडीशंस तक, जो लो लेवल यहां पर माउंटेन बड़ी हो गए हैं, मतलब सोयल पार्टिकल्स से वो कंकर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े हैं ऐसे हो गए। तो ये इस तरीके से वाटर प्रेजेंट है। अब यहां पर जो वाटर प्रेजेंट है वो किस तरीके से कैसे अवेलेबल है, सिंपल सी बात है, यहां पर वाटर प्रेजेंट है रेनिंग की ये क्लाउड है, ये क्या है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स। अब इन क्लाउड्स के बेस के ऊपर जो वाटर होता है वो रेनिंग की फॉर्म में हमारी सरफेस पे आता है, मतलब नीचे की तरफ सरफेस पे जो है वो रेनिंग की फॉर्म में आता है, ठीक है, रेन्स की फॉर्म में आता है, रेनिंग होती है, रेनिंग। अब जब रेनिंग आती है तो ये वाटर जो यहां पर प्रेजेंट है ये बैगेज आता है, ठीक है ना, इसकी मूवमेंट होती है और ये मान लीजिए सपोज कीजिए किसी स्ट्रीम में चला जाता है, किसी नहर नाले नदी में गिर जाता है। अब देखिए वाटर कहां कहां अवेलेबल है हमारे पास, रेनिंग की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, सेकंड वाटर हमारे पास जो प्रेजेंट है वो कहां पर है, दिस वन इज द फॉर्म ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है ना, ये जो वाटर है ये रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर, ठीक है ना, ये कौन सा वाटर है, रनिंग वाटर, एक हमारे पास रेनिंग की फॉर्म में, दूसरा हमारे पास रनिंग फॉर्म में। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाटर क्या है कि भी जब रनिंग फॉर्म में वाटर आता है तो वाटर नीचे की तरफ भी जाता है, ठीक है, कहां जाएगा, इन सोयल पार्टिकल्स के अंदर से घुसेगा वाटर, यहां पर सोयल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है कि सोयल के अंदर प्रोकोलेशन होएगा वाटर का, सोयल के अंदर प्रोकोलेशन होएगा, जब सोयल के अंदर प्रोकोलेशन होएगा वाटर तो वाटर एक स्पेसिफिक जगह से, वाटर एक स्पेसिफिक जगह से जाएगा। देखिए वाटर यहां से गया, यहां से एक सिंपल सी उसमें देखिए आप, मैं कोई भी स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां से देखिए यहां इनके बीच में से वाटर गया और इस रीजन में बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो गया इस रीजन में, क्योंकि इससे नीचे तो वो जाएगा नहीं, इस रीजन में बहुत सारा वाटर इकट्ठा हो गया, ठीक है ना, यहां पर जो कैविटी बनी हुई थी उसमें वाटर भर गया, बहुत सारा वाटर यहां भर गया, ठीक है, इस तरीके से भर गया। अब जो वाटर यहां पर नीचे प्रेजेंट है इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, इसको क्या बोलते हैं, अंडर ग्राउंड वाटर, इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर, समझ गए इसको क्या बोलते हैं भाई, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। लेकिन एक और रीजन देखिए आप, जहां से ये वाटर आया है, जहां से ये रीजन, जहां से ये वाटर आया है, सिंपली आप स्ट्रक्चर को देखिए कि जहां से इस वाटर का एक पाथ बन गया है वो सोयल पार्टिकल्स के साथ ऐसे ऐसे होता हुआ यहां से निकलता हुआ ऐसे, ठीक है, यहां से होता हुआ वो सोयल पार्टिकल से होता हुआ ऐसे निकल गया यहां से बाहर, ठीक है ना, ऐसे चला गया। तो यहां पर एक एक तरीके से मैं इसको साफ करता हूं, देखिए यहां पर बेटा एक स्ट्रक्चर बन गई है, एक स्ट्रक्चर बन गई और ये जो स्ट्रक्चर बन गई ना हमारे पास जो वाटर को नीचे लेकर जाती है, दिस वन इज द कैपिलरी, जिसको क्या बोल सकते हैं हमें, कैपिलरी बोल सकते हैं। तो इसमें से जो वाटर नीचे जाता है, इसमें से जो वाटर नीचे गया है ऐसे यहां से, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर, दैट इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर, इसको हम कैपिलरी वाटर के नाम से बोलेंगे, इसको हम कैपिलरी वाटर के नाम से बोलते हैं। जब कैपिलरी के थ्रू वाटर जाता है तो यहां से साइड में जो सोयल पार्टिकल्स हैं, यहां से साइड में जो सोयल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ये इन सोयल पार्टिकल्स के साथ ये वाटर जो है, मतलब ऊपर से बहुत सारी कैपिलरी बनी हुई है, तो यहां से जब वाटर जाता है तो इसमें क्या होता है, वो सोयल पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन हो जाता है, सोयल पार्टिकल्स के साथ ज्वाइन हो जाता है, और जब सोयल पार्टिकल्स के साथ वो ज्वाइन होता है तो उसको बोलते हैं हमें कंबाइंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं,
कंबाइंड वाटर, उसको क्या बोलते हैं, कंबाइंड वाटर के नाम से बोलते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है हमारे पास, क्या कंडीशन है भाई, कि इस सोयल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑक्साइड्स मिलते हैं, उन ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है ना, उन ऑक्साइड्स के साथ भी वाटर है, दैट इज कॉल्ड द केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड वाटर। जैसे सिंपल सी बात है, कॉपर सल्फेट है, इस कॉपर सल्फेट के साथ 10H2O जुड़ा हुआ है, तो ये वाटर जुड़ा हुआ है इसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये केमिकली फॉर्म्ड फॉर्म है वाटर की, जिसके बेस के ऊपर वाटर अटैच है। अब ये सब कंडीशंस होने के बावजूद देखिए वाटर की कितनी सारी टाइप होगी हमारे पास, वाटर की टाइप होगी रेनिंग की फॉर्म में जो वाटर आता है, रनिंग वाटर जो हमारे पास है, कैपिलरी वाटर हमारे पास है, अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास है, या केमिकली या कंबाइंड वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये डिफरेंट सोर्स है जहां से हमें वाटर अवेलेबल हो सकता है। अब यहां पर देखिए, कैपिलरी वाटर और केमिकली कंबाइंड वाटर वो हमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट फॉर्म में है। ये वाटर जो प्रेजेंट है ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है, क्योंकि प्लांट्स आसानी से रूट हेयर की सहायता से इस वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। ये कैपिलरी वाटर इज आल्सो अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। हमारे लिए मेन जो वाटर अवेलेबल है बेटा, वो मेन अवेलेबल की बात बता रहे हैं, कि रेन वाटर किसी स्ट्रीम में चला गया, किसी लेक में चला गया, हमारे लिए अवेलेबल है, पीने के लायक है। बारिश का पानी, बारिश हमेशा नहीं होती रहती, लेकिन बारिश होने के बावजूद रन ऑफ जो वाटर है वो किसी वाटर बॉडी में चला गया, या फिर वो वहां से नदी से होता हुआ सी में चला गया, सी में जाने के बाद वो अप्लीकेबल नहीं है, पीने के लायक नहीं है। लेकिन हमारे पास एक परमानेंट सोर्स है जिसका हम आज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये देखिए, हम यहां से एक कंडीशन बनाते हैं, यहां से आप देखिए एक परमानेंट सोर्स मैंने कैसे बनाया, यहां से हम पाइप डाल देते हैं सोयल के अंदर, जमीन के अंदर यहां से पाइप डाल देते हैं, और पाइप कहां जाती है, इस अंडरग्राउंड वाटर सोर्स में जाती है। ये जो अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है यहां जाते हैं, जिसमें हम हैंडपंप है, ट्यूबवेल्स है, ये सब लगाते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। इसपे हमारे पास क्या है, पंप, जो भी हमें ट्यूबवेल, जो भी हैंडपंप है, ये सब लगाते हैं। तो ये जो कंडीशन है हमारे लिए, हम मोस्टली वाटर इसी का यूज करते हैं, कि वाटर यहां से सोर्स के थ्रू आता है, ठीक है ना, सोर्स के थ्रू आता है, और यहां से हम वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। नेचुरली वो प्रोकोलेट होता है सोयल में, और हैंडपंप की तरह सहायता से या किसी भी मशीन की सहायता से हम उस वाटर को ऊपर ले लेते हैं और उसका यूटिलाइज हम करते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब वो पार्ट है जहां पर फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, और इस फ्रेश वाटर के बेस के ऊपर हम वाटर को कलेक्ट करते हैं। अब ये तो सब वाटर हो गया। अब देखिए, अब ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको अंडरग्राउंड वाटर बोले, जिसको हम अवेलेबल वाटर के नाम से बोल रहे हैं, अवेलेबल वाटर के नाम से, ये अवेलेबल वाटर रेनिंग के टाइम पर सोयल के अंदर वाटर प्रोकोलेशन का रेट, जब सोयल के अंदर वाटर घुसता है तो इसका लेवल इंक्रीज होता है। अगर मान लीजिए हमें सारे के सारे जगह को पक्का कर देंगे तो सोयल में तो वाटर जाएगा ही नहीं, अब इससे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए हमें किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन की जरूरत है, कि हम डायरेक्टली सोयल के अंदर वाटर ना जाने दे, ठीक है, और अंडरग्राउंड सोयल को हमने, वाटर को हमने बढ़ाना है, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को हम शो करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जेबल बॉडी, ठीक है ना, हमने प्रोजेक्ट बना लिए हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जेबल प्रोजेक्ट, और उसमें क्या करते हैं, कि स्पेसिफिक बोर बनाते हैं, उस बोर के थ्रू हम वाटर को रिचार्ज करते हैं, डायरेक्टली रेन वाटर को सी में जाने से, मतलब बहने से, कि रन ऑफ वाटर जो बन जाता है वो बह के नदियों में चला जाता है, ऐसे वाटर को हम कंजर्व कर देते हैं। और कंजर्व कैसे, नेचुरली तौर पे अंडरग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे,
आपने देखा कि हमारे अपने खुद के स्कूल के अंदर भी तीन जगह ऐसी हैं जहां से वाटर बॉडी बनाई गई है, जहां पर ऐसे पाइप डाले गए हैं जमीन के अंदर और बाहर से वाटर को वो रिसीव करते हैं और डायरेक्टली कहां डाल देते हैं, डायरेक्टली वो उसको ग्राउंड में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे रीजन है जो हेल्पफुल है, किस लिए कि वाटर जो लेवल है वाटर का उसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ये है सब हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास और भी मेथड है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं, हालांकि इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी किसका पार्ट है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही पार्ट है ये बेटा, ठीक है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे पास है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही पार्ट है ये प्रोजेक्ट भी, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और मेथड है जिसमें हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली किसी प्रोजेक्ट के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं। अब वो एक तो नेचुरली होता है, नेचुरली हमारे पास कैसे होता है भाई, नेचुरली हमारे पास होता है कि कोई तालाब है, कोई पोंड है, जैसे गांव में हमारे हरियाणा में जो बोलते जोड़ है, ठीक है। तो इस तरीके की जो कंडीशन है कि अलग अलग स्टेट्स में उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट के नाम से बोल सकते हैं हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे जोड़ हरियाणा में बोलते हैं, ठीक है ना, जैसे राजस्थान में बोलते हैं खादीन, ये राजस्थान में बोलते हैं, ठीक है भाई, जैसे जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में बोलते हैं पोंड, ठीक है, ऐसे स्पेसिफिक स्टेट के नाम से उनके नाम है, ठीक है, जिसके बेस के ऊपर हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और भी होता है जिसको हम बोलते हैं रूप टॉप मेथड, जिसको क्या बोलते हैं, रूफ टॉप मेथड। अब ये रूफ टॉप मेथड क्या होते हैं भाई, कि हमारे पास जो अपना मकान है, जैसे मकान है, इस मकान की जो छत है बेटा, उस छत की दीवारें जो हैं उस पे हम बारिश के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, बारिश का पानी जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहां से पाइप के थ्रू इस वाटर को हम अंडरग्राउंड टैंक हमने बना लिए, मान लीजिए सपोज कीजिए ये अंडरग्राउंड टैंक है, ये क्या है, अंडरग्राउंड टैंक, ठीक है ना। जैसे अगर हम इस अंडरग्राउंड टैंक को ऐसे देखें तो हमारे स्कूल में जो स्टेज के नीचे जो टैंक बना हुआ है वो अंडरग्राउंड टैंक है, हालांकि उसमें तो जो वाटर आता है वो ट्यूबवेल से हम उसमें इकट्ठा करते हैं और फिर ऊपर टंकी में लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि रेन वाटर जो बारिश का पानी जो छतों पे आता है उसको हम इस पाइप के थ्रू यहां पर इसको कलेक्ट कर लें, इसमें इकट्ठा कर लें। मानते हैं कि ये वाटर जो होता है डायरेक्टली पीने के लायक नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको आरओ यानी फिल्ट्रेशन का जो मेथड है, उस फिल्ट्रेशन के मेथड से इस वाटर को पास करवाएं, उस फिल्ट्रेशन के वाटर से, इस फिल्ट्रेशन के मेथड से इसको हमें पास करवाएं, तो ये ड्रिंकिंगेबल भी है। लेकिन डायरेक्टली हम इस वाटर का विदाउट क्लीनिंग हम इस डायरेक्ट इस वाटर का यूज कर सकते हैं, किस किस पर्पज में, फॉर वॉशिंग द क्लोथ, कपड़ों को धोने के लिए, फॉर द ड्रिंकिंग, फॉर द एनिमल्स, एनिमल्स को पिलाने के लिए भाई, एनिमल्स को नहलाने के लिए ड्रिंकिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इसका कि वी यूज दिस टाइप ऑफ द वाटर इन इरिगेशन, समझ गए ना, इरिगेशन पर्पज के लिए हम इस वाटर का यूज कर सकते हैं। और इरिगेशन का मतलब ऐसा नहीं कि खेतों में डाल सकते हैं भाई, इतना तो वाटर है नहीं कि पूरे खेत में सिंचाई कर देगा, सिर्फ इसका हम यूज, जैसे आपने पार्क बना लिए, आप अपने गमलों में पौधे लगा रखे हैं, तो वहां पर आप आसानी से इसको एक लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, और क्योंकि वो स्टोरेज फॉर्म में, और रेन वाटर है, रेन वाटर प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इस तरीके से आप इन वाटर का यूज कर सकते हैं। हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे पास हम नेक्स्ट जो वाटर मैनेजमेंट है इसके रोल क्या है, ठीक है, इस लेक्चर को हम दूसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसका और भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है जिसको नेक्स्ट केस में हमें आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। आज का जो ये लेक्चर है हमारे पास इतना ही है, ठीक है।
कल जो हमारा लेक्चर है, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सेकंड पार्ट है, और इसी में हमारे पास लगभग वाटर से रिगार्डेड 3 लेक्चर बन जाएंगे, वाटर पोल्यूशन भी हमारे पास आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, कि क्या समस्या रही, किस तरीके की प्रॉब्लम रही, या डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट होता है तो। आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।